गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पाठ 7 चोर पकड़े गए के प्रश्न उत्तर आप लिख चुके होंगे तो हम उसका रिवीजन करेंगे। और जिन बच्चों ने नहीं लिखे हैं, मेरे पास कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे कि पाठ 7 उन्होंने नहीं किया, तो आप वो पाठ 7 के प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किस कारण गाँव वालों का जीना मुश्किल हो गया था? चोरों के कारण गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया था। चौधरी साहब को अपनी खिड़की के पास कितने आदमी खड़े दिखाई दिए? चौधरी साहब को अपनी खिड़की के पास 2-3 आदमी खड़े दिखाई दिए। मैं 1 मिनट को यहाँ पर वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देख लेंगे और जिन बच्चों के पास लिखा हुआ है वो बच्चे इसको याद करने की कोशिश करेंगे और याद करके लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रश्न नंबर 3, चौधरी साहब ने जेवर कहाँ छुपाने की बात कही? चौधरी साहब ने जेवर आटे के बोरे में छिपाने की बात कही। कमरे की खिड़की के पास 2-3 आदमियों को खड़ा देखकर चौधरी साहब ने क्या समझा? कमरे की खिड़की के पास 2-3 आदमियों को खड़ा देखकर चौधरी साहब समझ गए कि चोरों ने आज मेरा ही घर चुना है। चौधरी साहब ने खीर में क्या मिलाया? चौधरी साहब ने खीर में नींद की गोलियां मिला दी। चोरों को गहरी नींद में सोते देखकर चौधरी साहब ने क्या किया? चोरों को गहरी नींद में सोते देखकर चौधरी साहब ने तुरंत फ़ोन करके पुलिस को घटना की सूचना दी। तो यहाँ पे भी मैं वीडियो स्टॉप कर रही हूँ बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर ढंग से लर्न करना है और लिखना है। इसके बाद हम रिवीजन वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने 4 तक कर ली थी, आज वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। चौधरी साहब ने खीर में क्या मिलाया? क्या मिलाया था चौधरी साहब ने खीर में? चौधरी साहब ने खीर में नींद की गोलियां मिलाई। चौधरी साहब ने जेवर कहाँ छुपाने की बात कही? चौधरी साहब ने जेवर आटे के बोरे में छुपाने की बात कही। फिर है खालिस्तान भरिए, चौधरी साहब के घर कितने चोर आए थे? 3 चोर आए थे। चौधरी साहब ने रसोई घर में जाकर क्या बनाई? खीर बनाई। फिर किसने किससे कहा? सारे जेवर रसोई घर में ले आओ। किसने कही थी ये वाली बात? चौधरी साहब ने अपनी पत्नी से। आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया? किसने कही थी? पुलिस अफसर ने चौधरी साहब से। बेटा मेरे पास कुछ बच्चों के फ़ोन आए हैं जिन्होंने कहा है कि उनको वर्कशीट नहीं पहुंची है, तो बेटा अगर वर्कशीट नहीं पहुंची है तो मैं आपको वीडियो में पूरी वर्कशीट की कॉपी दिखा रही हूँ, आप घर पे एक पेज पे नोट करके वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं। वर्कशीट नंबर 1, 2, 3 और 4 इसके पहले वाली वीडियो में मैं सेंड कर चुकी हूँ, अगर आपके पास में नहीं है तो मैं एक बार फिर से आपको वर्कशीट की कॉपी भेज रही हूँ। वर्कशीट नंबर 1, जिन बच्चों के घर पे ये वर्कशीट नहीं पहुंची है वो इसमें से कर सकते हैं। वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3, वर्कशीट नंबर 4, वर्कशीट नंबर 5, ये जो मैंने आज करवाई है आपको, वर्कशीट नंबर 6,
अगर बेटा आपके पास घर पे नहीं आई है वर्कशीट तो आप इसमें से सॉल्व करके लर्न कर सकते हैं। वर्कशीट नंबर 7, वर्कशीट नंबर 7 बेटा अपठित गद्यांश की है। ये बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो अपठित गद्यांश है पेपर में आपको सेम नहीं आएगा, पेपर में आपको दूसरा गद्यांश आएगा, क्वेश्चन में भी चेंज आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न उत्तर ही आए, हो सकता है आपको खालिस्तान भरने को आ सकते हों, राइट रॉन्ग लगाने को आ सकते हों। तो आप अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस घर पे करेंगे, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि अपठित का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ। तो बिना पढ़ा हुआ गद्यांश जो है आपका, ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आप ये नहीं सोचेंगे कि पेपर में आपका सेम आएगा, पेपर में आपका दूसरा गद्यांश आएगा और आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ेंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको वर्कशीट दिखाई है और वर्कशीट का रिवीजन करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 6 और 7 का रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।